नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तलवार स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज के 4 फरवरी शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लोगों को शराब पीने से रोकने वाली पुलिस के मुंह पर शुक्रवार को उसके ही एक प्रधान आरक्षक ने तमाचा जड़ दिया। नशे में धुत प्रधान आरक्षक ने एसपी ऑफिस में जमकर हंगामा मचाया। स्कूटर पर हाथ बांध कर उसे थाने ले जाना पड़ा। एसपी ने जांच के बाद कार्यवाही की बात की है। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखा, वीडियो में गदर कर रहा शख्स प्रधान आरक्षक भैरूलाल है। वह एसपी ऑफिस में ही बावर्ची का काम करता है। शुक्रवार के दोपहर वह धुत होकर पहुंचा और हंगामा करने लगा। हंगामे की जानकारी मिलने पर माधवनगर थाने को सूचना दी गई। यहां से पुलिसकर्मी पहुंचे तो वह उनके भी काबू में नहीं आया। बड़ी मुश्किल से दो जवानों ने टांगा टोली कर उसे स्कूटर पर बैठाया और हाथ बांधे। प्रधान आरक्षक का मेडिकल कराया है। एएसपी अमरिंदर सिंह ने कहा कि अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी, जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। तो ऐसे लोग रहते हैं, अगर कोई नशे की हालत में है तो उसका मेडिकल करा करके जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन है वो किया जाएगा। इसमें चूंकि परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद इसमें विधिवत जो सीनियर लेवल पे वरिष्ठ अधिकारी के लेवल पे इसमें जांच कराई जाती है, जांच के बाद जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी दिया जाता है। बहरहाल प्रधान आरक्षक की हरकतों के कारण एसपी ऑफिस में मजमा लग गया। शुक्र रहा कि भैरूलाल ने वर्दी नहीं पहन रखी थी, नहीं तो वर्दी की इज्जत तार तार हो जाती। बावर्ची काम करते हैं, खाना खाना बनाते हैं और वो दारू पी के यहाँ से हंगामा कर लगे थे स्थापना झापा में और उनको समझाया, समझ नहीं आई उनको थाने पर लेके आए, समझाया इनको, समझाने पर इनको रवाना करा। यहाँ पर ये बेहद भी चोट लगी, थोड़ी बहुत कोई चोट लगी, मेरे साथी को भी चोट लगी है और मेरे साथी जो आनंदी आरक्षक है उसको भी चोट लगी है, मुझे भी चोट लगी है हाथ में। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बढ़ते मरीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या को 250 तक सीमित कर दिया था। प्रदेश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को हालातों की समीक्षा की और बसंत पंचमी पर शनिवार से विवाह समारोह में 250 मेहमानों के प्रतिबंध को हटा दिया। आरडी गार्डी अस्पताल से 5 दिन पहले चोरी हुए बच्चे का अब तक पुलिस कोई पता नहीं लगा सकी है। केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस खुद उलझी हुई नजर आ रही है। पुलिस को अब तक बच्चे का पता लगाने में कोई लीड हासिल नहीं हो सकी है। 5 दिन पहले आरडी गार्डी अस्पताल से देवास के कमलापुर की रहने वाली महिला का नवजात शिशु चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस को अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी है। मामले में पुलिस ने अब तक 1.5 दर्जन से अधिक लोगों से सख्ती से पूछताछ भी की है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके चलते पुलिस भी सकते में है। मामले में अब तक कई नाटकीय मोड़ भी सामने आए, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस उलझी हुई है। जैसे 30-31 की रात को अस्पताल से चोरी हुए बच्चे का खुद मां को सुबह पता चला। महिला सुधार गृह की निगरानी में भी बच्चा चोरी जैसी घटना को अंजाम दे दिया गया, जो कि किसी के भी गले नहीं उतर रहा। घटना के अगले ही दिन अस्पताल से महिला के इलाज की फाइल गुम हो गई, जो कि अगले ही दिन नाटकीय ढंग से कचरे के डिब्बे में मिली। घटना के वक्त अस्पताल में कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, पूरे अस्पताल में सुरक्षा के कोई इंतजाम मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे 2 साल से बंद होना शंका को जन्म दे रहा है। चिमनगंज मंडी थाने के जांच अधिकारी करण खुवाल के अनुसार अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे अब भी बंद है और सुरक्षा भी जस की तस है। मामले में लड़की और लड़के के परिवार सहित करीब 1.5 दर्जन लोगों से पूछताछ की गई है। बच्चे की तस्दीक के लिए कमलापुर में रहने वाले दोनों परिवारों और उनके रिश्तेदारों के घर भी गए, लेकिन कोई पता नहीं चला। बच्चा चोरी के मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है, जिसके चलते अब तक किसी भी नतीजे से पुलिस दूर है। इधर बच्चे की मां को वापस महिला सुधार गृह में भेज दिया गया है, लेकिन अभी सभी के जहन में केवल और केवल एक ही सवाल है कि बच्चा आखिर गया तो गया कहां, उसे आखिर कौन और क्यों ले गया। क्या कोई बच्चा चोर अस्पताल में सक्रिय है, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं।
विक्रम यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड ईयर और अन्य संकायों की परीक्षा के दौरान शुक्रवार को बवाल हो गया। विद्यार्थी जब सुमन मानवी की अध्ययन शाला पहुंचे तो टेबलों पर नंबर ही नहीं डले थे। ऐसे में विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा काटा। विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों को जैसे तैसे परीक्षा देने के लिए तैयार किया। दरअसल बहुत सारे संकायों के विद्यार्थियों की परीक्षा एक साथ होने से परीक्षा हॉल में अव्यवस्था हो गई। बच्चे जब पहुंचे तो उन्हें टेबलों पर रोल नंबर नहीं मिले। ऐसे में बच्चों को रोल नंबर की लिस्ट के अनुसार बैठाकर परीक्षा ली गई। इसके चलते काफी देर तक हंगामा हुआ। विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर SK मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी अव्यवस्था हुई थी, बाद में इसे ठीक कर लिया गया। भी इस समय CBCS की परीक्षा चल रही है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स में हो रही है, और जो थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की है जो सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन होता है वो भी हो रहा है। तो जो नए बच्चे आए थर्ड सेमेस्टर के वो रोल नंबर अपना ट्रेस नहीं कर पाए, इकट्ठे एक साथ ही वो जो अंदर एंट्री की है, तो इसलिए लेकिन वो समय से परीक्षा भी चालू हो गई और सब बिल्कुल शांति से। बसंत पंचमी उत्सव शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान का अभिषेक किया जाएगा, उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाए जाएंगे, पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और पीले पकवानों का भोग लगाया जाएगा। इसके अलावा शहर के अन्य मंदिरों में भी बसंत पंचमी पर विविध धार्मिक आयोजन होंगे। पुष्टि मार्गी वैष्णव मंदिर में बसंत पंचमी से ही 40 दिवसीय फाग उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। बसंत पंचमी को विद्या आरंभ का दिन भी माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बसंत पंचमी के अभूज मुहूर्त पर ढेरों विवाह समारोह होंगे। हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते इनमें कमी आई है। बसंत पंचमी पर कई समाजों के सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित होते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर के चलते अब तक कहीं आयोजन होने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि घरों से होने वाले शादी समारोह की धूम रहेगी। विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। शादी में भी 250 मेहमानों को अनुमति है। इससे ज्यादा संख्या होने पर समारोह में पुलिस का खलल पड़ सकता है। माघ मास की तिल चतुर्थी पर शुक्रवार को भगवान चिंतामन गणेश के दरबार में श्रद्धालुओं की रेलम पेल रही। भगवान को तिल गुड़ से बने पकवानों का भोग लगाकर महाआरती की गई। भगवान चिंतामन गणेश का विशेष श्रृंगार भी किया गया। भक्तों को भी महाप्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माघ मास की तिल चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो इसके लिए भगवान को तिल के लड्डू अर्पित किए गए हैं। सुबह से देर शाम तक मंदिर में श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन किए। आज माघ मास की चतुर्थी है और इसको तिलगुंद चतुर्थी भी कहा जाता है, जिसको तिल चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और भगवान गणपति को तिल और गुड़ से भोग लगाना, तिल के तेल से भगवान का स्नान करवाना, ऐसा इस चतुर्थी का महत्व है, जिसमें सभी मनोरथ पूर्ति के लिए तिल का उपयोग इसमें ज़्यादा होता है, जो तिलगुंद चतुर्थी कहा जाता है। पिता की फर्जी वसीयत पेश कर महिला की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत गृह मंत्रालय और CM हेल्पलाइन में होने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मालीपुरा में रहने वाली सारिका पति ब्रजेश राठौड़ ने देवास गेट थाने में पिछले साल शिकायत की थी। उसके पिता ओम प्रकाश परमार के फर्जी हस्ताक्षर पेश कर रिश्तेदार राहुल परमार, नित्यानंद और गौतम निवासी मालीपुरा ने उसकी गोयला खुर्द स्थित जमीन हड़प ली, लेकिन थाने में मामले को जांच के नाम पर लटका दिया गया। कोई निराकरण नहीं होने पर महिला ने मामले की शिकायत गृह मंत्रालय और CM हेल्पलाइन में की। लंबे समय से CM हेल्पलाइन के L4 लेवल पर लंबे शिकायत की जांच के बाद देवास गेट थाना पुलिस ने तीनों षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। और अब खबरें दे दनादन। एक और तो नगर निगम सफाई में देश भर में प्रथम आने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह दीवारों पर कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं, जिससे शहर की सुंदरता बढ़े। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने रखे पाइप पर असामाजिक तत्वों ने अश्लील चित्र बना दिए। शुक्रवार को मम्मा फाउंडेशन के सदस्यों ने उपरोक्त अश्लील चित्रों पर रंग रोगन कर दिया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की उज्जैन यूनिट ने भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान गांधी और सुल्तान शाह लाला की स्मृति में तैयार कैलेंडर का विमोचन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कराया। विधायक आरिफ मसूद, शेख अलीम और अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी महेंद्र वोरा विमोचन में शामिल हुए। महाराजवाड़ा कार्तिक चौक और दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के घर चलो अभियान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं का पार्टी सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। हरसिद्धि मंडल अध्यक्ष योगेश साध एवं बृहस्पति मंडल अध्यक्ष पंडित नितिन जोशी ने बताया वरिष्ठ नेता राज हजूर सिंह गौर, मलिक पहलवान, मोहन नागर का सम्मान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित श्रवण शर्मा ने किया। दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ललित सेठी लक्ष्मी नारायण उपाध्याय का सम्मान भी किया। कोरोना महामारी के दौरान मृत हुए लोगों के उत्तराधिकारियों को अनुग्रह राशि दिलाने में विधिक सेवा प्राधिकरण मदद करेगा।
प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार जैन ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुग्रह राशि नहीं मिली है वह अपने समस्त दस्तावेजों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजें ताकि अनुग्रह राशि दिलाने में उनकी मदद की जा सके। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।